नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास 8.1.1। अब उन्होंने दो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं आपको जिनके रोल उन्होंने बताए, नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का। ठीक है, हम पहले नाइट्रोजन का डिस्कस करते हैं। कहते हैं 8.1 टेबल में ये बात क्लियर कर दी थी उन्होंने कि नाइट्रोजन जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का, हार्मोन का, क्लोरोफिल का, वाइटामिन का एंड एंजाइम इसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ, और कई एंजाइम्स का पार्ट होते हैं ये नाइट्रोजन। इसके अलावा कहते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीव ग्रोथ। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टेम और लीव की ग्रोथ के लिए। टू मच नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके रिजल्ट में क्या होगा, कैन डिले फ्लावरिंग। तो जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाएगी, मीन अगर उस फ्लावर ने जून में बनना था तो वो जाके सितंबर में फिर उस टाइम पे ब्लोन होगा। एंड फ्रूट प्रोडक्शन, और फ्रूट की भी डेफिनेटली जैसे फ्लावर बनेगा तो उसके बाद फ्रूट की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए ऑफ नाइट्रोजन की तो वो क्या करता है, रिड्यूस यील्ड, हमारे पास पैदावार में कमी आती है, कॉजिंग येलोइंग ऑफ लीव, लीव जो हैं वो आपके पास येलो हो जाते हैं एंड स्टंटेड ग्रोथ, और आपके पास स्टंटेड ग्रोथ को रिप्रेजेंट वो कर रहा होता है, मीन बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके पास हो रही होती है। अब पॉइंट टू रिमेंबर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन आर द मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। हमने बात की कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन जो होते हैं वो मिल के बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट ऑफ ऑल अमीनो एसिड। नाइट्रोजन उनमें मेन इम्पॉर्टेंट जो है एक कंपोनेंट है सारे के सारे अमीनो एसिड्स के अंदर। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्रोटीन। मतलब कौन सी प्रोटीन पाई गई है, प्रोटीन के अंदर कौन नाइट्रोजन का जो ग्रुप है वो पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो हर अमीनो एसिड्स के अंदर जो आपके पास प्रॉपर्टी है प्रोटीन की, ये उसको भी डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ मैग्नीशियम। प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम टू फॉर्म क्लोरोफिल। मैग्नीशियम मेन आपके पास क्लोरोफिल के कंपोनेंट के अंदर मिड में पाया जाता है। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैग्नीशियम मिड में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम होगा तो सारा का सारा रिंग बनेगा, मैग्नीशियम नहीं होगा तो रिंग ही नहीं बन सकेगा। ठीक है, विदाउट मैग्नीशियम प्लांट वुड नॉट बी एबल टू मेक क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो सकेगी। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इन अ प्लांट लीड टू क्लोरोसिस। कहते हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की तो प्लांट के अंदर क्लोरोसिस होती है। क्लोरोसिस किसको कहते हैं, येलोइंग ऑफ लीव। जो आपके पास पत्ते हैं वो ग्रीन होते हैं ना अमूमन, तो वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम इज ऑल्सो नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मैनी एंजाइम। हमारे पास ये जो मैग्नीशियम है ये आपको कई एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए भी यूज़ होता है। सो इट डिफिशेंसी मे अफेक्ट नॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली लीड टू नेक्रोसिस। तो अगर कहते हैं उसकी कमी हो जाएगी या डिफिशेंसी होगी तो वो अफेक्ट करती है, ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के रेट को, और वो अल्टीमेटली लीड करती है नेक्रोसिस की तरफ, सेल की डेथ। सारी बात है, आपके पास मैग्नीशियम की कमी होगी तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जब रुकेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें तो आपके पास साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्लोरोसिस इज द कंडीशन इन विच लीव प्रोड्यूस इनसफिशियंट क्लोरोफिल। क्लोरोसिस वो वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर लीव्स आपके पास प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं बना सक रहे होते। क्लोरोटिक लीव आर पेल, वो पेल होते हैं, येलो आर येलो वाइट। द अफेक्टेड पार्ट हैज लिटल ऑफ नो एबिलिटी टू मेक कार्बोहाइड्रेट। अब वो जो पार्ट अफेक्ट हो चुका है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इट मे डाई अनलेस द काज ऑफ इट्स क्लोरोफिल इनसफिशियंसी इज ट्रीटेड। तो मीन वो क्या कहते हैं कि वो जो है उस पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, उसका काज क्या होगा कि वो क्लोरोफिल की इनसफिशियंसी की वजह से उसके अंदर वो क्या होगा, सारा का सारा वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और वो डाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर दो उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, उसमें हमने नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को उन्होंने मेजर डिस्कस किए।